बीते दिनों भारतीय सेना का गद्दार परमजीत सिंह और सेना को सब्जी सप्लाई करने वाला हबीब खान, इन दोनों का खुलासा हुआ था। बताया गया कि ये दोनों ISI के खुफिया एजेंट हैं। रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि परमजीत हबीब को आर्मी के खुफिया दस्तावेज देता था और हबीब उन दस्तावेजों को ISI के हवाले कर दिया करता था। वहीं हबीब की पहुंच बीकानेर में आर्मी कैंप के किचन तक थी और जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसका खुलासा किया तो पता चला कि हबीब के पास से आर्मी एरिया का नक्शा मिला था। और वहीं इस केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को आरोपियों से पूछताछ में एक अहम जानकारी मिली है। गिरफ्तार हुए सेना के नायक परमजीत सिंह ने पूछताछ में खुलासा किया कि साल 2018 से हबीब के जरिए पाकिस्तान ISI के लिए वो काम कर रहा था। सेना की जासूसी करने के लिए हर महीने ISI परमजीत को 50,000 रुपए महीना भेजती थी। लॉकडाउन में भी परमजीत सिंह को ISI ने 20,000 रुपए भेजे थे। ये तमाम पैसे हर महीने परमजीत के बहन के अकाउंट में जाते थे। कोर्ट से परमजीत की 9 दिन की क्राइम ब्रांच की रिमांड मिली है। पूछताछ में जरूरी लगा तो क्राइम ब्रांच हबीब और परमजीत को पोखरण और आगरा भी लेकर जाया जाएगा। पूछताछ में परमजीत सिंह ने बताया कि वो 6 मोबाइल इस्तेमाल करता था। ये 6 मोबाइल फोन पाकिस्तानी ISI के भेजे गए पैसों से खरीदे गए थे। आज परमजीत और हबीब से कई घंटे मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की। हबीब को पोखरण में फिलहाल सेना में मीट सप्लाई करने का टेंडर मिला हुआ था। इसके पहले मिले टेंडर में सेना को सब्जी सप्लाई करता था हबीब खान और वहीं मूल रूप से वो बीकानेर का ही रहने वाला है। अब जांच एजेंसियों को ये भी पता लगाना है कि हबीब किन किन लोगों के संपर्क में था। माना जा रहा है कि हबीब सेना से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाकर ISI को देने की फिराक में था। हबीब की गिरफ्तारी से एक बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। ये लोग अपने ही देश में रह के अपने ही देश की थाली में छेद कर रहे थे और उन बाकी जवानों को बदनाम कर रहे थे खुद के नाम पर। वहीं अभी ये भी बताया गया कि दोनों से फिलहाल और पूछताछ की जा रही है और जितनी भी सूचना प्राप्त की जाएगी उसके आधार पर आगे की जानकारी दी जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।